गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माई SST बुक रीडिंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीच पेज नंबर 29 एंड 30, लेसन 4, ड्रेसेस वी वियर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज अवर फुटवेयर। फुटवेयर सच एज शूज एंड सैंडल्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ड्रेसेस। बच्चों, फुटवेयर जो हैं, जैसे जूता चप्पल सैंडल्स, इनको फुटवेयर कहते हैं, जो पैरों में पहने जाती हैं। ठीक, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ड्रेसेस का। ठीक, जैसे आप सोचिए कि आप बहुत अच्छी ड्रेस पहने हो, लेकिन आप पैर में कुछ ना पहने हो, तो ठीक नहीं लगेगा। और फुटवेयर और क्या करते हैं, आगे देखते हैं। शूज कीप आवर फीट क्लीन एंड सेफ। जूते हमारे पैरों को क्लीन मतलब साफ, सेफ मतलब सुरक्षित रखते हैं। शूज आर हेल्पफुल फॉर प्लेइंग, ट्रेवलिंग, माउंटेनरिंग एंड अदर एक्टिविटीज लाइक प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फायर एंड फ्लड। और बच्चों, जूते किस में हेल्प करते हैं, खेलने में। आप देखेंगे खिलाड़ी अधिकतर जूते पहन के ही खेलते हैं, यात्रा करने में, ट्रेवलिंग में, माउंटेनरिंग, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं लोग वो भी जूते पहनते हैं पकड़ के लिए। और काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लोगों की रक्षा करना, किससे, फायर और फ्लड से। बच्चों, जब कभी आग वगैरह लगती है तो आप देखेंगे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होते हैं, जो आग बुझाने आते हैं, वो घुटनों तक के जूते पहने रहते हैं, ताकि वो आग के ऊपर कुछ देर के लिए टहल चल सके, अंदर जाके कोई फंसा हो उसको बचा सके, या बाढ़ आई हो। ठीक, तो वहाँ पर ऐसे जूते पहने जाते हैं लोगों की रक्षा के लिए। ठीक, वी यूज सैंडल्स एंड चप्पल इन हॉट वेदर। और बच्चों, जब मौसम गर्म रहता है, तो आप देखिए आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो अधिकतर लोग जूतों की जगह क्या पहनना पसंद करते हैं, सैंडल, चप्पल, ये सब पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं करते पैरों को। रबर गम बूट्स आर और वोर इन द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में बच्चों, रबड़ के जूते होते हैं, मतलब अगर बरसात के दिनों में चमड़े की चीज़ें लोग ख़राब हो जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, गम बूट पहनते हैं। ये रबर के होते हैं, ये ख़राब नहीं होते, हमें कीचड़ से भी बचाते हैं। वी यूज़ लेदर शूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और हम अधिकतर बच्चों चमड़े के जूते का यूज़ करते हैं। We often match the shoes with our clothes। और अक्सर हम अपने जूतों को अपने कपड़ों से मैच करने, पहनने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि लोग कहते हैं भाई मैच में पहनिए, अच्छा लगे थोड़ा सा, मैचिंग, ठीक, एक रूपता रहे कपड़ों में। स्पोर्ट्स शूज आर स्पेशली मेड विद ग्रूव्स एंड स्पाइक्स। ग्रूव्स का मतलब बच्चों, आप जूते में देखिए कोई भी जूता हो उसको उल्टा करके, उसमें तरह एक तरीके से खांचे बने रहते हैं। ठीक, वो खांचों के ही ग्रूव्स कहते हैं। स्पाइक्स का मतलब बच्चों कीले होती हैं, टू प्रोवाइड देम ए बेटर ग्रिप। स्पाइक्स आपको वहाँ दिख जाएंगे, आप कोई रेस देखिए, जो लोग दौड़ते हैं मैदानों में, कंपटीशन में, वो खिलाड़ी अधिकतर स्पाइक पहनते हैं, उस पर कीले होती हैं, कीले निकली रहती हैं, तो वो ग्रिप मतलब पकड़ बहुत अच्छी बनाती हैं, क्योंकि ग्राउंड में मुड़ना भी तो रहता है ट्रैक पर। ठीक, जैसे आप खेल रहे हैं, आप आगे दौड़े, क्या एक बॉल पीछे आई, तो हमें ग्रिप चाहिए, वरना आप फिसल नहीं जाएंगे, और आप फिसल गिर गए तो गेम हार गए। तो इसलिए ग्रिप की व्यवस्था करने के लिए ग्रूव्स और स्पाइक्स जूतों में बनाए जाते हैं। ठीक, फॉर्मल ड्रेसेस ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल और मैरिजेस पीपुल लाइक टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस। बच्चों, शादी विवाह या त्योहारों के अवसर पर लोग पहनना पसंद करते हैं स्पेशल ड्रेस, विशेष प्रकार की पोशाक पहनना पसंद करते हैं। दीज इंक्लूडेड, और इसमें शामिल क्या है, ब्रोकेट, इसको जरी बोलते हैं, सिल्क साड़ीज, सिल्क की साड़ियाँ,
रेशम की ज्वेलरीज एंड सूट विद टाइज, इसमें ज्वेलरीज भी शामिल है, ज्वेलरीज मतलब बच्चों गहने, और सूट भी शामिल है, ठीक। फाइंड आउट व्हाट आर द मेन ड्रेसेस वोर्न बाई मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन इन योर स्टेट। बच्चों आप अपने राज्य में देख खोजिए कि ध्यान दीजिए, मतलब कि आप लोग देखिए आप अपने अगल बगल कि कौन सी ड्रेस ज्यादा पहनते हैं, ठीक। ड्रेसेस पॉपुलर इन द वर्ल्ड, मेनी इंडियन ड्रेसेस लाइक बनारसी साड़ी, लखनऊआ लखनवी चिकन कुर्ता, कांजीवरम साड़ीज, पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगास आर फेमस वर्ल्ड वाइड। और बच्चों कुछ कपड़े ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं भारतीय पोशाकें, ठीक। उसमें क्या क्या आती हैं, बनारसी साड़ियाँ आती हैं, लखनऊआ चिकन का कुर्ता आता है, कांजीवरम की साड़ियाँ आती हैं, पेशावरी राजस्थानी लहंगास आते हैं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं भारत के ये कपड़े, ठीक। एक फैक्ट फाइल भी आपको बता दिया जाए, हाउ ओल्ड आर निडल, निडल मतलब सुई, सुइयाँ कितनी पुरानी हैं भाई, सुइयाँ जिनसे कपड़े सिले जाते हैं, ठीक। बोन निडल्स ओवर 20,000 ईयर्स ओल्ड वर फाउंड इन स्टोन एज केव्स इन फ्रांस। बच्चों आदिमानव काल का एक गुफा है फ्रांस में, जहाँ पर 20,000 साल पुरानी एक हड्डी की सुई मिली है, वो जो हड्डी से बनी थी। अब आप सोचिए कि आदमी शुरू से ड्रेस पहनने के लिए मतलब ड्रेस का उपयोग करता था, और ड्रेसें क्या करती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, जलवायु से, ठंड से बचाती हैं, गर्मी से बचाती हैं, ठीक। तो आप सोचिए कितने पुराने समय से मनुष्य ड्रेस पहन रहा है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।